भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच WHO ने ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। साथ ही ओमिक्रॉन से वैक्सीन की प्रभावशीलता कम होने का भी दावा किया। हालांकि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक नया वेरिएंट गंभीर लक्षण पैदा नहीं करता है। WHO ने कहा कि 9 दिसंबर तक ओमिक्रॉन 63 देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में इसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के रूप में देखा गया, जहां डेल्टा का असर कम था। वहीं ब्रिटेन में डेल्टा ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। शुरुआती आंकड़ों के आधार पर WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम करता है।